माय चैनल दिल्ली लुकिंग सेल्स राज दिल्ली 1987 और आज हम जा रहे हैं जामा मस्जिद और दिखाते हैं G20 की क्या तैयारी हुई है, तो साथ में बने रहें, चलते हैं आगे। तो गाइस आज है थर्सडे, जुमेरात की रात, और जुमेरात जुम्मा हफ्ता इतवार तक बिल्कुल यहां का क्लोज रहने वाला है और सब अपने पूरा सहयोग दे रहे हैं, छोटे से बड़े दुकानदार हों या बच्चे हों, और सब इस टाइम जा रहे हैं जामा मस्जिद की ओर भागे भागे देखने के लिए G20 की तैयारी क्या चल रही है। हाजिर आपका भाई सैयद फराज अली, तो आ चुके हैं हम बाज़ार जामा मस्जिद गेट नंबर 1 और मुलाकात कराएंगे अपने हाजी सलीमुद्दीन साहब से, जिनके हाथ में डेकोरेशन पूरी हुई है। तो गाइस आप देख सकते हैं हम पहुंच चुके हैं G20 का पूरा ज़बरदस्त दिखाते हुए आपको नज़ारा। कोई समझ नहीं, सारा जो इंतजामिया यहाँ पर हुआ है आज माशाल्लाह हमारे हाजी सलीमुद्दीन साहब के माध्यम से किया गया है और आपको दिखाने की कोशिश करेंगे पूरे जामा मस्जिद। तो गाइस यहाँ पर मौजूद है हमारे SHO साहब, जामा मस्जिद थाना SHO साहब यहाँ पे पेट्रोलिंग करते हुए, तो पेट्रोलिंग करते हुए यहाँ पर मौजूद है हमारे SHO साहब, देखते हुए अपनी मौजूदगी सर एक सिंगल सर सर अभी हमारे साथ भाई, चलो भाई चलो यार चलो भाई साइड हो, अरे भाई साइड साइड करे भाई साइड भाई यार साइड हो प्लीज, तो हमारे यहाँ पर हाजी रईसुद्दीन साहब जो मॉडल एक्सप्रेस पास के भी सदर हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और सारी हमारी मौजूद हस्तियाँ यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। पर शारिक भाई भी मौजूद हैं और जाहिद भाई भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये समझ लें बेहतरीन यहाँ का स्टैंड का नज़ारा और सब यहाँ पर मगन है मदोश है, और देखें आप किस तरह से यहाँ पर दिखाया जा रहा है हमारे G20 के ऊपर सैयद शाबान बुखारी और सैयद अहमद बुखारी के साथ हाजी सलीमुद्दीन और पूरा यहाँ का व्यू। तो G20 की बेहतरीन यहाँ पर तैयारी की गई है और आप देख सकते हैं G20 का जो यहाँ पर एक सिंबल दिया गया है, एक यहाँ पर बनाया गया है पूरा फाउंडेशन। तो आपको भी लेते हैं, तो भाई यहाँ पर मौजूद है सारे हमारे छोटे भाई भी और देखने आए हुए G20 की यहाँ पर तैयारी क्या चल रही है इस टाइम। तो कैसा लगा यहाँ पर आके? अच्छा फील हो रहा है, तो सजावट बेहतरीन हुई भी है और सभी हमारे सदर हाजी सलीमुद्दीन साहब की बदौलत यहाँ पर इस टाइम मजमा लगा हुआ है और एक अलग ही लुक देने की कोशिश की गई है। जो हमारी अम्ब्रेला है उसको देख दिखाया गया है या दर्शाया गया है और उसके साथ साथ फर्स्ट टाइम यहाँ पर दिखाया गया है एक हमारा फाउंटेन। चलो यार बहुत बढ़िया है यार, लोग अच्छे सारा काम, मेरी कुछ नहीं हो रही सब अकेली भागो, किया गया है हमारे भाई, ये भाई यहाँ के बाजार मटिया मेल के सदर हमारे नौजवान भाई सलीमुद्दीन साहब और नायब सदर आदम भाई और सब तमाम इनकी जो टीम है सारे छोटे बड़े जुड़ कर जो सबकी मेहनत है माशाल्लाह, और ये हमारे लिए फख्र की बात है कि जामा मस्जिद वाले भी चढ़ बढ़ के हमारे देश के लिए सबसे ज़्यादा मिला के साथ।
बेहतरीन। तो सारे इंतजार में यहाँ का जो माशाल्लाह हमारा रहा आज ही सलीमुद्दीन जो सदर बाजार मटिया मेले उनका यहाँ पर सारा सेटअप आप देख रहे हैं और सारी रौनक ये सब उन्हीं की। और माशाल्लाह चांद सितारे हमारे जामा मस्जिद की तंग गलियों के अंदर कूट कूट करके टाइलेंट भरा हुआ साथियों बस पहचानने की जरूरत है और उसे ढूंढ करके बाहर लेकर गया। इंशाल्लाह ताला हम तो उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं हमारे गलियां मोहल्ले पूरा इलाका ऐसे सजे जैसे G20 के मौके पे सजा है। तो यहाँ पर हमारे मौजूद हैं हमारे सदर हाफिज सलीमुद्दीन साहब और पूरा ख्याल रखते हुए और साथ में मौजूद है शारिक भाई हमारे माशाल्लाह और हमारे भाई रहीसुद्दीन साहब भी यहाँ मौजूद हैं। और ये समझ लें क्राउड के साथ साथ भीड़ को छटवाने का काम जो जिम्मा हमारे भाई ने लिया है तो पूरी जिम्मेदारी के साथ निभाई जा रही है। ऐसा नहीं कि बस यहाँ पर सेटअप करा और पीछे होगा, माशाल्लाह पूरी ईमानदारी के साथ में यहाँ से फिर सेटअप दिया जा रहा है और हमारे हाजी सलीमुद्दीन साहब पूरा सहयोग दे रहे हैं सफाई वगैरह भी कराने में और लोगों को रास्ता दिलाने में। तो फिलहाल आप देखें यहाँ का हमारा पूरे जामा मस्जिद का व्यू और हमारा पूरे जामा मस्जिद का जो व्यू है आपके स्क्रीन पे इस टाइम लाइव है और हमारे सामने यहाँ पर मौजूद है हमारे हाजी रहीसुद्दीन साहब हमारे बड़े भाई। यहाँ पर सारे हमारे माशाल्लाह बाजार मटिया महल के सब तमाम दुकानदार और यहाँ के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं और साथ में हमारे आम आदमी पार्टी से हमारे जाहिद बोस और साथ में टीम आले मोहम्मद इकबाल से भी यहाँ पर काफ़ी लोग मौजूद हैं। तो आपका भाई सैयद फराज अली भी यहाँ पर मौजूद है और आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में हमारे बड़े भाई हाजी सलीमुद्दीन साहब जो हमारे बड़े भाई हैं सब उन्हीं का यहाँ पर माशाल्लाह स्टैंड जहूरा है जो उन्होंने बहुत बढ़िया काम कराया है। हकीकत बेहतरीन काम किया गया है हमारे बाजार की और हमारे देश की बहुत बड़ी इज्जत है। ये माशाल्लाह आज ये सब काम यहाँ पर हुआ है और बड़े बड़े ऑफिसर और बड़े बड़े न्यूज चैनल अब जो यहाँ पे बाजार को हमारे प्रमोट करेंगे ये हमारा मकसद था सब पूरा हो चुका है माशाल्लाह। क्योंकि हमने भाई को भी अपने पहले दिखाया था तो माशाल्लाह वो काम करके दिखाया है जो आज तक यहाँ पर नहीं हुआ था। तो माशाल्लाह सुनहरे हल्कों से ये स्पीड लिखी आएगी हमारे सदर जनाब हाजी सलीमुद्दीन साहब हमारे बड़े भाई की टोर के ऊपर आप देख सकते हैं सारे यहाँ का नज़ारा बिल्कुल। और भाई आपका नाम भाई? मेरा हाजी नदीमुद्दीन नाम है। माशाल्लाह हाजी नदीमुद्दीन नाम है भाई का। और दूसरे वाले जो हमने दिखाए थे भाई भाई रहीसुद्दीन हाजी रहीसुद्दीन साहब जो मोटर पार्ट एक्शन पार्ट मार्केट के सदर है। सब शख्सियतों से आपकी हमने मुलाकात कराई और फिलहाल हम आपको दिखाते हैं जामा मस्जिद का फाउंटेन जो स्टार्टिंग में दिखाया गया था और यहाँ पर लाइटिंग बेहद खूबसूरत की गई है और सामने मौजूद हमारी शाही मस्जिद जामा मस्जिद तो बेहतरीन व्यू जामा मस्जिद का और साथ में फाउंटेन जो हमारे इतिहास में पहली बार हमने देखा गया है कि इतना ज़बरदस्त इसको सजाया गया है G20 की तैयारी के साथ में। और जो अम्ब्रेला का यहाँ के लुक दिया गया है ये मॉल्स वगैरह के अंदर होता है जो आपको यहाँ पर जामा मस्जिद ओल्ड सिटी के अंदर देखने को मिल रहा है। तो ये समझ लें कि इसके साथ साथ एक तैयारी भी है कि भाई भीड़ ना लगे और कुछ सदर साहब यहाँ पर और उनके भाई वगैरह बाजार के जो जिम्मेदारान लोग हैं वो यहाँ खड़े होकर के सारी चीज़ों को खुलवा रहे हैं और बिल्कुल एहतियात के तौर पर कि भीड़ ना लगने दें तो किसी तरह का परेशानी का सामना ना करना पड़े किसी को। तो पूरी अपनी जिम्मेदारी पे हमारे सब भाई यहाँ पर मौजूद हैं और रास्ते को खुलवा रहे हैं और हटवा रहे हैं। Let's go.
यहाँ पर माशाल्लाह सारे एक्टिव हैं और पूरा ध्यान दिया जा रही है भीड़ ना लगे, क्योंकि इतना बड़ा सेटअप लगाने के बाद तो यहाँ पर भीड़ का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है, जिसकी वजह से बदनज़मी ना फैले और ना कोई परेशानी फैले। तो भाई यहाँ पर मौजूद हैं माशाल्लाह सारे हमारे टीम के लोग, तो यहाँ पर माशाल्लाह सारे जिम्मेदार लोग हमारे मौजूद हैं, हमारे हाजी सलीमुद्दीन, हमारे हाजी रईसुद्दीन और साथ में हमारे भाई सारे यहाँ पर तमाम मौजूद हैं और आप देख सकते हैं बेहतरीन तो ये समझ ले सारा सेटअप भाई का था और पूरा सेटअप जो आज का आपको देखने को मिला और पूरी तैयारी जो भाई की तरफ से है माशाल्लाह। फुल क्राउड और आहिस्ता आहिस्ता पब्लिक और बढ़ते हुए, जो बिल्कुल ये समझ लें कि बहुत ज़बरदस्त इस टाइम देखने का नज़ारा हो गया है। काफ़ी क्राउड यहाँ पर हो चुका है, तो क्राउड हो चुका है तो अब आप समझ सकते हैं कि कितनी भीड़ है, क्योंकि सब देखने आए हुए हैं, फर्स्ट टाइम ये फाउंटेन वगैरह चल रहा है। तो यहाँ पर लास्ट में दिखाया गया आपको बर्फ, बर्फ यहाँ पर मौजूद है और क्राउड फुल जमाए हुए हैं अपना, और एक क्राउड आप देख सकते हैं किस तरह का मजमा लग गया है, और हमारे जाहिद भाई जी आज आपको दिखाया पूरा यहाँ का व्यू। तो इसी के साथ मैं विदाई लेता हूँ आपसे, तो आप देखते रहें कि यहाँ का पूरा फुल व्यू इस टाइम हमारे जामा मस्जिद G20 के माध्यम से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों भाइयों, क्या हाल है, सब खैरियत है। ये देखिए जामा मस्जिद G20 की तैयारियां, G20 का वेलकम, ये देखिए माशाल्लाह ज़बरदस्त गेट बना है यहाँ का, और ये हमारा जामा मस्जिद एक नंबर गेट का तिरंगा झंडा माशाल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह, अलग ही नज़र आ रही है ये रौनक G20 की, और ये हमारी जामा मस्जिद, और हमारे इलाके के हमारे भाई सलीम सदर साहब, ये आज़म भाई बैठे हैं हमारे, और ये हमारे जाहिद बॉस। जाहिद बॉस कुछ सुना हुआ है, बहुत दिन होगा तुम्हारे मुंह से सुना हुआ है कुछ शेर सुनाएंगे भाई, जी सुनाएंगे, इंतजार करने G20 के बारे में कुछ बताइए, लोगों को इंतजार करने दो भाई। दिल्ली 6 वालों की तरफ से स्वागत तैयार है हमारा, G20 का वेलकम करेंगे हम दिल्ली 6 के लोग, और ये
भाई सलीम साहब, आदम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, ये समझ लिए जैसा सलीम भाई ने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह वैसे ही काम करते हुए सब छोटे बड़ों को साथ लेके चल रहा है और काम भी आप देख सकते हैं साथियों, काम बोलता है आदमी का। और यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, यहाँ पे अभी शावर लगेंगे और यहाँ पे गमले लगेंगे पूरे बहुत बेहतरीन तरीके, कल आपको पूरी पिक्चर इस वीडियो के माध्यम से दिखा देंगे। उठ जाओ देख लो इधर, ओके अल्लाह हाफिज, ये अल्लाह का घर हमारा। जैसा कि आपने देखा हमारा आज का फुल ब्लॉग बच कर है बाजार चित्र की खबर से लेकर और जामा मस्जिद तक तलक का, और सब शख्सियतों से मुलाकात कराई और साथ में हमारे मौजूद हमारे भाई कामरान भाई, तो माशाल्लाह कामरान भाई की बेहतरीन शख्सियत है, बहुत ज़्यादा सहयोग दे रहे हैं और सारी देख रेख में लगे हुए हैं माशाल्लाह। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में इसी तरह की खूबसूरत शख्सियतों से मुलाकात करेंगे और मिलवाएंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़, जय हिंद।